हाय फ्रेंड्स, यार सबसे पहले तो रिलैक्स कर जाओ। यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ मिलने वाली है ऑथेंटिक मिलने वाली है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अमन तिलक हूँ। आई एम करेंटली इन एम्स दिल्ली एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 33 इन एम्स एंड बोर्ड्स में मेरे 96% थे एग्रीगेट। सो गाइज, जो अभी हम लोग के पास न्यूज़ आ रही है ना, वो ये है एनटीए की, है ना। सो जो विनीत जोशी सर है ना, सो ने एनालिसिस की है। मैं आपको, देखिए, एनालिसिस के बाद वाला पार्ट बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू खुद देख सकते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं। मैं आपको एनालिसिस बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज ये समझ में आई कि उनने बहुत डायरेक्टली आंसर नहीं किया कि नीट क्या पोस्टपोन होगा नहीं होगा, लेकिन द थिंग विच वॉज वेरी क्लियर कि द गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर। हम मैंने आपको करीब करीब 15 दिन पहले ही चीज बता दी थी, गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ पोस्टपोनिंग नीट एंड एक्सटेंडिंग लॉकडाउन। सो क्या कर रहे हैं कि ये चीज आप याद रख लीजिए, 26 जुलाई को ही, 99% जो है 26 जुलाई को ही होगा आपका नीट एग्जामिनेशन। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है, ये ट्राई किया जा रहा है कि आपके घर से पास रखे जाए, जिससे कि ज्यादा मूवमेंट ना हो, कोरोना का स्प्रेड रोका जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या न्यूज़ है जो आपको समझनी है ना, कि दूसरा आपका सबसे बड़ी क्वेरी थी कि एनसीईआरटी पे सिलेबस आएगा कि हो सकता है बाहर आ जाए, क्योंकि आपने देखा है एनटीए की जो ऑफिशियल ऐप अभ्यास है ना। उसके उसके रिगार्डिंग में क्या चीज आपको समझनी है कि ये क्लियरली मेंशन किया गया, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई कोई मेजर चेंज लाया जा रहा है सिलेबस में, क्योंकि लोग बहुत बोल रहे हैं कि भाई एम्स को मर्ज कर देंगे। भाई देखिए, आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस ही रहेगा, जैसे पहले आता रहता था, ठीक है। 5 to 10% प्लस माइनस होता रहता है ना। जैसे 2017 का पेपर आसान था, 18 का मुश्किल हुआ, 19 का फिर से आसान आ गया, तो 5-10% अप डाउन होता रहता है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और जो सवाल आ रहा था कि गाइस जो कट ऑफ है वो कहाँ जाएगा, तो देखो यार, अब मैं जो बताने वाला हूं ना, ठीक है, सच बताता हूँ, लेकिन यार जैसे ही मैं सच बताता हूँ, लोगों को ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है और वो डिसलाइक मार देते तो और चले जाते हैं, है ना। देखो, सच बात यह है कि इतना ज्यादा सबको टाइम एक्स्ट्रा मिला है, और अगर सिलेबस वही है, वैसा का वैसा ही पेपर आ रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ जनता हमेशा से ऐसी होगी जो उठेगी, ऊपर उठेगी, है ना, उसमें से आप भी होगे। एंड आप, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटिव होता है सब कुछ। आपका बुरा पेपर गया कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों का और बुरा गया आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपका पेपर अच्छा गया लेकिन और लोगों का बहुत अच्छा गया आपकी रैंक खराब आएगी, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखो, हो सकता है कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेशन हम लोग की टीम के साथ पूरी बातचीत हुई, तो वट वी आर सजेस्टिंग यार बढ़ेगा यार कट ऑफ, है ना, 620 तक भी जा सकता है, ठीक है। आपका कर्तव्य पढ़ाई करते रहना। और जहां तक बात है एनसीईआरटी के सिलेबस की, जो एनसीईआरटी के जो बेस पे क्वेश्चंस है, एज वेल एज नीट के मॉक टेस्ट पे जो क्वेश्चंस थे, वो हमने क्वेश्चन बैंक पे डाले हुए हैं। सॉरी, उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज है, वी कैन नॉट ओपन इट राइट नाउ। हाउएवर, अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया है, कंप्लीटली फ्री है, 100+ डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपीज अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें हर चैप्टर से 20 से 25 सवाल है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे अपलोडेड है, बायो तो पता ही, एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे अपलोडेड है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जाइए लगाइए, नोट्स अवेलेबल है, माइंड मैप्स अवेलेबल है, जरूर ज्वाइन कर लेना। दैट इज ऑल आई हैव टू से, जस्ट स्टे फोकस्ड, और गाइस यार पढ़ते रहो, क्योंकि देखो कट ऑफ आई जा सकता है, चिंता नहीं करनी है आपको, यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू डू योर हार्ड वर्क। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, वन प्रोमिस फ्रॉम यू, नीचे कमेंट पे लिख देना कि सर, अमन सर, आई विल गिव द बेस्ट आई कैन एंड आई विल मेक इट टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल, दैट इज यू हैव टू राइट, कमेंट कर देना। और याद रखना यार, नीट का जब ये लिख रहे होगे ना, हम डर डर रहे होगे, लेकिन बात मेरी यही याद आ रही होगी, ठीक है। सो लिख दो ये चीज, और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, देखो आपके 200 नंबर आए, 650-700 नंबर आए, मुझे फर्क नहीं। अगर आप नीट के बाद कहते हो कि सर, आई परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल, मैं पर्सनली आपसे मिलूंगा, आई विल पर्सनली अवॉर्ड यू, एंड गाइस आई विल डेफिनेटली बी विद यू, है ना, एंड आई वॉज विद यू, आई एम विद यू, आई विल विद यू, एटीओ वॉरियर्स, इट्स द टाइम टू नॉक डाउन दिस लॉकडाउन विद फुल स्टडीज, ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन बैंक का बार बार मत पूछो यार,
बंद है रजिस्ट्रेशन, वी कैन नॉट ओपन, वी आर सॉरी। हो सकता है हम लोग एक हफ्ते 10 दिन भी लग सकता है, वी विल इन्फॉर्म यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, नीचे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इवन नाउ आई एम ऑन ट्विटर, ट्विटर पे भी फॉलो कर लो, वहां पर यार रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली ट्वीट और मैं जो रिप्लाई करूंगा उससे बहुत सारी कम्युनिटी बेनिफिट हो जाएगी। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।